हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। पिछले कंपैरिजन में हम लोगों ने स्नैपड्रैगन 865 वर्सेस एक्सिनस 990 किया था, जहाँ पे मेरी जुबान फिर से पिसल गई थी। मैंने एक्सिनस 990 को बेटर बोल दिया था, एक्चुअल में वहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 बेटर प्रोसेसर था। तो जो गलती हुई मुझसे, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। वेल, यहाँ पे हम लोग दो चिपसेट का कंपैरिजन करेंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 और मीडियाटेक की तरफ से आता है डायमेंसिटी 1000। दोनों चिपसेट का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आखिरकार में इन दोनों चिपसेट में से बेटर प्रोसेसर कौन सा हो सकता है। सो यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। CPU कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको क्रायो 585 मिल जाता है। यहाँ पे एक कोर कॉर्टेक्स A77 वाला मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। उसके बाद में तीन कोर मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A77 के, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। उसके बाद में चार कोर मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A55 के, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 8 कोर मिल जाते हैं, जिसमें से चार कोर जो है वो आर्म कॉर्टेक्स A77 के देखने को मिलते हैं। साथ में 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में चार कोर मिल जाते हैं आपको आर्म कॉर्टेक्स A55 के, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है। प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही चिपसेट अपने 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 64 बिट पे बना हुआ है, साथ में डायमेंसिटी 1000 भी यहाँ पे 64 बिट पे बना हुआ है। ये भी चीज़ यहाँ पे लगभग सेम ही है। GPU की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेनो 650 स्नैपड्रैगन 865 में देखने को मिलता है। डायमेंसिटी 1000 में आपको ARM माली G77MC9, जो कि एक नया GPU है, आपको देखने को मिल जाता है। RAM टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको LPDDR5 मिल जाता है, जबकि यहाँ पे डायमेंसिटी 1000 में आपको LPDDR4X देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप की बात कर ले तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है, UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है, साथ में UFS 3.1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। डायमेंसिटी 1000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको eMMC 5.1 साथ में UFS 2.0 का सपोर्ट मिलता है सिर्फ। रियर कैमराज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 64MP तक के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है और 25+25MP के डुअल कैमरा को सपोर्ट करता है। डायमेंसिटी 1000 यहाँ पे 32+16MP के डुअल कैमरा को सपोर्ट करता है, साथ में 18MP के सिंगल कैमरा को भी ये सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा का भी लगभग सेम ही प्रोसीजर है। फ्रंट साइड पर भी आपको 25+25MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में 64MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है स्नैपड्रैगन 865 में। डायमेंसिटी 1000 में आपको 32+16MP का डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, साथ में 18MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है। रिजोल्यूशन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 अल्ट्रा HD तक के रिजोल्यूशन को कवर कर सकता है, जबकि डायमेंसिटी 1000 सिर्फ फुल HD+ डिस्प्ले को ही कवर कर सकता है। तो यहाँ पे बेटर तो आपको पता ही है, स्नैपड्रैगन 865 है। LTE मॉडेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको एक्सटर्नल 5G मॉडेम देखने को मिल जाता है, साथ में जो डाउनलोडिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है 7 GBPS की देखने को मिल जाती है, साथ ही अपलोड स्पीड आपको 3 GBPS की देखने को मिल जाती है। डायमेंसिटी 1000 में आपको मिल जाता है LTE वर्ल्ड मोड C8019DL मॉडेम, साथ में जो डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है आपको 4.7 GBPS की मिलती है और अपलोड स्पीड 2.5 GBPS की देखने को मिलती है। 5G मॉडेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको स्नैपड्रैगन X55 मॉडेम देखने को मिलता है। यहाँ पे डायमेंसिटी 1000 में भी आपको 5G मिल जाता है। यहाँ पे Sub-6 करके एक मॉडेम है, जो कि आपको डायमेंसिटी 1000 में देखने को मिलता है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 में आपको क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट मिल जाता है। डायमेंसिटी 1000 में आपको पंप एक्सप्रेस नाम की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंटीटू स्कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 865 वर्सेस डायमेंसिटी 1000 का जो एंटीटू स्कोर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो है वो स्नैपड्रैगन 865 का एंटीटू स्कोर है। वीडियो कैप्चर की बात कर लेते तो स्नैपड्रैगन 865 में आप 8K और 4K वीडियोस 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। बात कर लेते 1080p की, तो यहाँ पे आप 60 FPS पे इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मो जो होता है यहाँ पे आप 480 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। डायमेंसिटी 1000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप 4K वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है 1080p, जो कि आप 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में 720p वीडियोस जो है आप 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Geekbench स्कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 के सिंगल कोर और डुअल कोर का जो स्कोर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडियाटेक 1000 का अभी तक कोई टेस्ट हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है।
अब जितनी भी चीजें थी लाइक Geekbench, Antutu स्कोर, वीडियो कैप्चर टेक्नोलॉजी, GPU और इसके अलावा जो भी आर्किटेक्चर है, सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है यहाँ पे। और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि इन दोनों चिपसेट में से सबसे बेटर चिपसेट यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 865 ही है। इसके रीज़न काफ़ी सारे हैं, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 5 रीज़न बताऊंगा। यहाँ पे जो CPU है वो भी पावरफुल है, यहाँ पे LPDDR5 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि 1.5 गुना ज़्यादा फास्ट है MediaTek में जो यूज़ हुआ है RAM उससे। स्टोरेज टाइप भी आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, साथ में अल्ट्रा HD डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीडियो कैप्चर टेक्नोलॉजी भी अच्छी, साथ में एक्सटर्नल 5G मॉडेम आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे विनर होता है कंपैरिजन का Qualcomm Snapdragon 865। सो गाइस, ये था दो चिपसेट का कंपैरिजन। यहाँ पे आप तो संतुष्ट हो ही गए होंगे कि इस बार Qualcomm Snapdragon 865 MediaTek 1000 से बेटर निकल के आ गया है। काफ़ी सारे लोग खुश होंगे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो ओपिनियन है, सही है या गलत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे आपको मिलते ही रहेगी। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ग्रे कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ।